नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खुले आसमान के नीचे गौरीघाट के पास हर रोज बच्चों की क्लास लगती है। पराग सर का कहना है कि मैं इन बच्चों को इतना पढ़ाऊंगा कि एक बच्चा अवश्य आईपीएस बनकर दिखाएगा। पराग सर हैं जो कि गरीब बच्चों को वहां शिक्षा देने का कार्य करते, दिन में वो अपना काम करते हैं और रात को बच्चों के साथ क्लास लिया करते हैं। बच्चे भी ऐसे कि जो नारियल सिक्के बीन कर गौरीघाट तट पर घूमते थे और कुछ लोगों से भीख मांगा करते थे, लेकिन आज 10 से 20 बच्चों को लालच देकर पढ़ाया करते थे, लेकिन अब 150 से 200 बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं और ये निशुल्क सेवा है। बच्चों को लालच दिया करते थे और आज इन बच्चों को हिंदी से लेकर अंग्रेजी तक फटाटे से बोलते हैं, जो कि आप सुनेंगे या देखेंगे अपने आप में विश्वास नहीं कर पाएंगे। ऐसा यहाँ जबलपुर गौरीघाट पर देखने को मिला। रोटरी क्लब सनशाइन की महिलाएं भी मदद के लिए आगे आई। इन महिलाओं का कहना है कि वो कुछ ना कुछ बच्चों को गिफ्ट देती रहती हैं ताकि किसी भी कारण से बच्चे का पढ़ने लिखने में मन लगा रहे। इन्होंने बच्चों के लिए कम्पॉक्स बॉक्स और भी आदि चीज़ें उन्हें गिफ्ट दिए हैं, जिसमें बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं, पढ़ने लिखने में मन लगाते हैं। सर, यहाँ पे अधिकतर चीज़ें जनरल नॉलेज की पढ़ाते हैं, मैथ, साइंस, फिजिक्स, सब ऑल सब्जेक्ट चलते हैं इधर पे। पहले हम लोग यहाँ पे नारियल बीनते थे, मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे लाए थे यहाँ पे कोचिंग पे ज़बरदस्ती करके, तो मैं यहाँ पढ़ने लगा धीरे धीरे। फिर भैया हम लोग को सबको एक लालच देते थे पढ़ने के, उससे कि मैं तुमको गिफ्ट्स दूंगा, तुम यहाँ डेली पढ़ने आया करना। ऐसे मैं 2 दिन 3 दिन आया लालच के उससे, ऐसे में फिर मेरा मन बढ़ते गया। फिर धीरे धीरे करके मैं जागृत हो गया कि अब मुझे कुछ पढ़ना है। मुझे सर डेली कहते थे कि अगर कुछ पढ़ लोगे तो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर लोगे, तो अब मैं डेली आता हूँ। कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? कुल 250 बच्चे हैं। हाँ, सबको निःशुल्क मिलती है शिक्षा। मेरा नाम अमन कोरी है। सभी को आत्मनिर्भर देकर जय हिंद जय भारत। पिछले 6 साल से मैं इन बच्चों से जुड़ा हूँ और संकल्प यही है कि एक आईएएस एक आईपीएस निकालना है घाट से, और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं ये। दिन भर अपनी दुकानों में बैठते हैं, नाव चलाते हैं, नारियल बीनते हैं और रात को रोज 8 से 9:30 पढ़ने आते हैं। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाने मिल रहा है। पराग दीवान। एक्चुअली अभी 2 दिन पहले जब हम यहाँ पर आए थे, ऐसे घूमने के लिए आए थे, तो हमने देखा पराग जी द्वारा यहाँ पर निःशुल्क कक्षाएँ ली जा रही हैं और KG 1 से लेकर 12th तक के बच्चे यहाँ पर फ्री पढ़ते हैं और बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स से इनको सिखाई जाती हैं चीज़ें। तो इनको देख के हमको इतना अच्छा लगा कि अगर बच्चों को सिखाया जाए तो वो क्या चीज़ नहीं सीख सकते हैं। तो एज अ अप्रिसिएशन उनको एक छोटा सा गिफ्ट की उनके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान ला सके, और प्लस हमको ये समझाना चाहते हैं कि यदि कोई आपको बहुत अच्छे से चीज़ें सिखा रहा है, एक तरह से ये सोशल सर्विस है पराग जी द्वारा, तो उनके मन में भी कोई ऐसी चीज़ें आए कि वो अब कुछ भी करके वो लोगों की मदद कर सके। हमेशा मदद पैसों से नहीं की जाती है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है। आप अपनी पुरानी बुक्स दे दें किसी को, आप अगर आप बड़ी क्लास में पढ़ते तो छोटे क्लास के बच्चों को आप पढ़ा सकते, समझा सकते। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो हम इन क्लासेस के द्वारा इन बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि ये आगे जाके पराग जी जैसे बन सके। और ये बस इन्हीं चीज़ों के लिए आज हम यहाँ पर सनशाइन क्लब की तरफ से जमा हुए हैं सारे, और एक उनको बच्चों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए हम उनको ज्योमेट्री बॉक्स और फ्रूटी का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ताकि एक स्माइल आ सके उनके चेहरे पर। थैंक यू। मैं मिसेस शिखा पौराणिक, रोटरी क्लब जबलपुर सनशाइन की तरफ से।